हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। मेडीबैंक पेंट एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है। यहाँ से आपने जाना है न्यू कैनवस पे। जब आप न्यू कैनवस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैनवस साइज शो होगा। आपने जाना है एडिट पे, और एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे 1080 और 1080 विथ और हाइट दोनों सेम रखने हैं। और ध्यान रखना है कि आपका जो DPI है वो 600 मस्ट हो, 600 से कम नहीं होना चाहिए। DPI को 600 करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक व्हाइट स्क्रीन शो होगी। ये व्हाइट स्क्रीन आपका कैनवस है। यहाँ पे हमने ड्राइंग करनी है, जैसे कुछ भी देखें। यहाँ पे मैं अगर ड्रा करूँ, यहाँ पे कोई सा भी कलर लेके, तो यहाँ ये हमारा कैनवस है। आपको आपके लेसन के साथ एक कलर पैलेट मिल जाएगी। आपने अपने मेडीबैंक पेंट में उसको इंसर्ट करना है, यानी कि मेडीबैंक पेंट इस एप्लीकेशन में उस पिक्चर को लेकर आना है। आपने यहाँ पे जाना है सेव के नीचे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाने के बाद एक प्लस का आइकन, जब आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एन इमेज टू ऐड। आपने सिलेक्ट एन इमेज टू ऐड में जाना है और अपनी गैलरी में जाकर जो पिक्चर आपको चाहिए, जो कि मैंने आपको दी हुई है एक कलर पैलेट की पिक्चर, वो आपने क्या करनी है, यहाँ पे इंसर्ट करके उसको ओके कर देना है। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है, तो और मैग्नीफिकेशन एंगल कुछ भी नहीं आपने छेड़ना, आपने डायरेक्ट इसको ओके कर देना है। ये मेरा कलर पैलेट है। कलर पैलेट का मतलब ये है, इससे मैं कुछ कलर्स लूँगी, इसे कलर्स पिक करूँगी, यानी कि मैंने कुछ ड्रॉ करना है। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा ब्लू कलर चूज़ करूँ। यहाँ से मैं कुछ भी ब्लू कलर ले लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से क्या लूँ, तो मैं यहाँ से कलर चूज़ करूँगी और फिर वो ब्लू कलर करूँगी। कलर पैलेट वाली एक लेयर ये है और यहाँ पर एक लेयर सिंपल है। मेडीबैंक पेंट में हमारे पास कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे आप देखें एक लेयर वन लिखा हुआ है, एक लेयर टू लिखा हुआ है। यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे जाएंगे तो लेयर थ्री लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे देखें प्लस के आइकन पे मैं गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखें कलर लेयर, तो लेयर थ्री आ गया है। ये हमारे पास लेयर्स होती हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम डिफरेंट लेयर्स में करते हैं। न्यू लेयर लेने के लिए आपने फिर से कलर लेयर पर जाना है, फिर आप न्यू लेयर लेंगे, फिर से कलर लेयर पर जाएंगे। ये हमारे पास होती हैं लेयर्स। मैं इन एक्स्ट्रा लेयर्स को डिलीट कर देती हूँ। आपने डिलीट किया, यहाँ पे क्लिक का आइकन बना हुआ है, आपने उस आइकन को प्रेस करना है तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक लेयर रह गई है, और वो है मेरे पास कलर पैलेट वाली लेयर, ये जिसमें हमारे कलर्स हैं। अब हम बनाएंगे एक लैंडस्केप जिसमें कुछ माउंटेन्स होंगे, एक स्काई होगा और मून होगा, और वो एक नाइट का टेक्सचर शो करेगा। आपने लेनी है एक न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के लिए आपने प्लस के आइकन पर जाना है और कलर लेयर को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास एक न्यू लेयर आ जाएगी। अब हमने करना है काम, और काम करने के लिए हमारे पास चाहिए ब्रश। तो ब्रश कहाँ से लेंगे, यहाँ पे सेव के आइकन के नीचे बिल्कुल लेयर पैनल, जो आपका ये लेयर पैनल है, लेयर पैनल के साथ एक ब्रश पैलेट सी बनी हुई है, कलर पैलेट से बना हुआ है। आप इस कलर पैलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रशेज आपको, पेंसिल, पेन और काफ़ी सारे और भी नज़र आएंगे। आपने यहाँ से पेन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपने सिंपल पेन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे पेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ड्रॉ करके देखेंगे, देखिए ये मेरा पेन ब्रश है, और ये इतना थिक इसलिए है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा मैंने रखा हुआ है। मैं इसका साइज़ छोटा कैसे करूँगी, ये देखें, इसको छोड़ ऐसे ही। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एरो नज़र आएगा, करेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, इस करेक्शन के नीचे आपको एक एरो नज़र आएगा। इस एरो को आप जब क्लिक करेंगे तो जो कलर्स हैं वो पॉप अप होके बाहर आ जाएंगे, जब आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे। यहाँ से हम करते हैं अपने कलर सिलेक्ट, और इसी से आपका ब्रश साइज जो है वो छोटा और बड़ा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 408। इस 408 के ऊपर आप अपनी फिंगर रखेंगे, और फिंगर रख के फिंगर को अगर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा इसका साइज। जब आप इसी फिंगर को यहाँ पे 323 हो गया, आप 323 को यहाँ पे फिंगर रखें और इसको नीचे ड्रैग करके लेके आए तो आपका ब्रश साइज छोटा हो जाएगा। मैं इसको मजीद छोटा करके 30-37 पे लेके जाऊंगी, और यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगी, तो ये देखिए मेरा ब्रश साइज काफी छोटा हो गया है। अब मैंने इस लेयर को करना है रेस, तो रेस करने के लिए यहाँ पे आपके पास है रेजर टूल, और रेजर टूल लेके आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही अपने रेजर का साइज भी आपने यहाँ पे पॉप अप वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिंगर रख के इसको ऊपर ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और इसको ऐसे ही रेस कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि हमने लेनी है एक न्यू लेयर, लेकिन हमने न्यू लेयर नहीं ली, हमने उसी लेयर के ऊपर काम किया था, तो देख लें कि हमारा जो काम है वो वेस्ट हो गया है, और हमारी जो पैलेट थी वो भी रेस हो गई है। मैंने इसलिए किया था कि मैं आपको बता सकूं कि न्यू लेयर लेने का क्या फ़ायदा होता है। अब मैंने काम उसी लेयर पे किया था जिस पे मैंने अपना कलर पैलेट इंसर्ट किया हुआ था, तो वो मेरा कलर पैलेट भी डिलीट हो गया और मेरा काम भी डिलीट हो गया। अब इसको वापस लाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको एक आइकन नज़र आ रहा है एक एरो का, आपने क्या करना है उस एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करना है, तब तक क्लिक करना है जब तक आपका ये सारा काम इरेज नहीं हो जाता।
इसको हम कहते हैं अनडू, ये आपका सारा काम डिलीट कर दे जो आपने किया हुआ है। जैसे मैं अगर दोबारा से करूँगी तो मेरे पास काफ़ी सारी जो चीज़ें जो मैंने की हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ये हो गई मेरी कलर पैलेट वाली लेयर, अब मैंने न्यू लेयर लेनी है। आपको टूल्स की समझ आ गई होगी, अब आपने करना ये आपने न्यू लेयर लेनी है और न्यू लेयर लेने के बाद आपने देखना है कि आपका पेन ब्रश सिलेक्टेड है। यहाँ पे ऊपर करेक्शन का ऑप्शन है, करेक्शन आपका ऑन होना चाहिए। करेक्शन के ऑप्शन को चेक करने के बाद आपने यहाँ से लेनी है कलर पैलेट, ऑन कर लें एक मिनट के लिए और उसको ऑन करने के बाद अपनी लेयर वही सिलेक्ट करें, लेयर वन। आपने यहाँ से ब्रश के साथ एक टूल है, इसे हम आई ड्रॉपर टूल कहते हैं, ये कलर को पिक करता है, कलर पिकर भी कहते हैं, यानी कि कलर को पिक करेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके ये वाला कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है, ब्लू सा कलर। मेक श्योर कि आपका पेन ब्रश सिलेक्टेड हो। यहाँ पे ऊपर एक करेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से इसको 0 से 20 पे मस्ट करना है आपने, और आपका जो कलर है वो यही हो जो मैंने आपको बताया है। अब आपने क्या करना है, लेयर वन पे आना है और इस लेयर को कर देना है हाइड। हाइड का मतलब है कि कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए ये जो लेयर है ये बंद हो जाएगी, हम जब चाहेंगे तो हम इसे ओपन करके देख सकेंगे। ये देखें, अपने ब्रश का साइज़ आप 6x5 इतना रख लें, इससे ज़्यादा ना रखें, 5 से छोटा रखें। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट स्क्रेबल्स पहले ड्रा करने हैं, एकदम से आपको नहीं आएगा। आपने डिफरेंट पहले ऐसे ऐसे आप स्क्रेबल्स ड्रा करें, स्क्रेबल्स ड्रा करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। मैंने बनानी है एक माउंटेन, और माउंटेन बनाने के बाद मैंने स्क्रिबल्स काफ़ी सारे ड्रा किए हैं, उनको ड्रा करने के बाद मैंने इनको रेज किया है ताकि एक बार मेरा जो हैंड है वो प्रैक्टिस में उसकी ईजिली कर सकूँ। पाने के लिए मैं यहाँ से यहाँ पे अपनी फिंगर रख के इसको यहाँ से ऐसे लेकर आऊँगी तो ये मेरी एक माउंटेन जो है वो ड्रा हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक न्यू लेयर लेनी है, प्लस के आइकन पर जाके कलर लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी, और सेम ऐसे ऐसा ही प्रोसेस आपने यहाँ पे करना है। अब ये नहीं देखना कि ये इसको क्रॉस कर रही है, ये आपकी माउंटेन जो है वो ड्रा हो गई है और ये दोनों अलग अलग लेयर्स पर लाजमी होनी चाहिए। ये मेरी हो गई माउंटेन ड्रा। अब माउंटेन ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, इस लेयर को कर देना है हाइड और अपने इस लेयर पर आ जाने। ये देखिए, ये आपका एक माउंटेन है और ये आपका है दूसरा माउंटेन। यहाँ तक आपको आई होप सो कि समझ आ गई होगी। मैंने अपने फर्स्ट माउंटेन वाली लेयर के ऊपर एक और न्यू लेयर ली है। अब न्यू लेयर क्यों ली है, ऑफकोर्स मैंने इसमें कलर करना होगा। अब कलर करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं बकेट टूल। बकेट यानी कि उसको फिल कर देगा, फिल टूल भी कहते हैं और उसको बकेट टूल भी कहते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर आपको बकेट टूल नजर आएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस शो हो जाएंगे, एक्सपैंड, क्लोज गैप्स और इस तरह के। आपने क्या करना है, सिंपल वही कलर सिलेक्ट करने देना जो आपका कलर सिलेक्टेड है, आपने उसको नहीं छेड़ना। लेकिन यहाँ पे एक्सपैंड पे जाके आपने इसको 0 से 1 कर देना है। अब आप 0 से 1 करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि मैंने आपको ये क्यों कहा है। नंबर जिसके आपकी न्यू लेयर होनी चाहिए यहाँ पे, ये ना हो कि आप यहाँ पे उसी लेयर पे काम कर रहे हो जिस पे आपने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर लिया है, न्यू लेयर के बाद मैंने बकेट टूल लिया है। बकेट टूल लेने के बाद यहाँ पे एक्सपैंड पे जाके मैंने इसको 1 पिक्सल पे कर दिया है। जब इसको 1 पिक्सल पे करेंगे तो 1 पिक्सल पे करने के बाद आपने करना क्या है कि सिंपल यहाँ पे रखना है अपना, एक बार फिंगर से टच कर देना है। जब आप फिंगर से टच करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा कलर। ये देखें, मैं इसको दोबारा अंडू करके दिखा देती हूँ। ये देखें, फिंगर आपने सिर्फ यहाँ पे रखनी है, इसके अंदर हो गया कलर। अब मैं फिंगर वहाँ पे रखूँगी तो वहाँ कलर हो जाएगा। बाकी टूल का काम बेसिकली ये होता है। अब मैं फिंगर यहाँ पे रख रही हूँ तो ये जो मेरा कलर है वो हो गया है फिल। सेम यही प्रोसीजर आपने करना है अपने दूसरे माउंटेन के साथ। यहाँ पे है मेरे पास एक लाइन सी जो मैंने ड्रॉ की हुई थी, पिछले दोनों लेयर्स को मैंने कर दिया हाइड। ठीक है, हाइड करने के बाद मैंने ली एक न्यू लेयर लेने के बाद मैंने सेम यहाँ पे उसको कर दिया ये चीज़। ठीक है, ये देखें, सबको कर दिया ऑन। ये देखें, दोनों मेरी ऑन हो गई हैं। ये मैंने एक माउंटेन जो है वो बेसिकली एक शॉर्ट सी कह लें, एक माउंटेन सी कह लें, मैंने ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल एक फ्लैट सी माउंटेन। यहाँ पे भी हम स्काई भी ड्रॉ करेंगे, मून भी ड्रॉ करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ड्रॉ करना है स्काई। अब ये एक नेचुरल चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है कि जो आसमान होगा, जो स्काई होगा, वो माउंटेन्स के आगे तो नहीं होगा, वो तो माउंटेन्स के पीछे होगा। हमने लेनी है एक न्यू लेयर। एक न्यू लेयर लेने के बाद उसको यहाँ से आपने उसको टच करना है, प्रेस करके रखना है, प्रेस करके आप उसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ, बिल्कुल नीचे। जब आप उसको नीचे लेके आएंगे तो वो जो लेयर है वो आपके माउंटेन्स के पीछे चली गई है। ये देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक ब्रश टूल लेके देखें, वो पीछे चली गई, आपको नज़र नहीं आएगी। अब अपने इन माउंटेन्स को कर देती हूँ हाइड। ये देखें, मैंने सबको हाइड कर दिया है। ये मेरा गलती से यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैं इसे रिमूव कर। अपना कलर पैलेट मैंने ऑन कर दिया। कलर पैलेट लेने के बाद आपने यहाँ से लेना है डार्क ब्लू या ब्लैक, इस तरह से कह लेंगे। देखें, ये कलर है मेरे पास, ये प्योर ब्लैक नहीं है, प्योर ब्लैक ये होता है। ये देखें, ये डार्क ब्लू सा कलर है, तो ये मैंने डार्क ब्लू सा कलर लिया मैंने। ठीक है,
डार्क ब्लू सा कलर लेने के बाद मैंने अपनी कलर पैलेट को कर दिया है हाइड, कलर पैलेट को हाइड कर दिया। और यहाँ पे ऊपर आपके पास बकेट टूल के बिल्कुल साथ आपके पास एक स्केयर सा बना हुआ है, आपने स्केयर पे जाना है। स्केयर पे जाने के बाद आप यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे ड्रैग करके लाना है और पूरे कैनवस पे ये कलर कर देना है। ये देखें, अब मैं आपको अगर आपके माउंटेन्स ऑन करके दिखाऊं तो ये देखें, ये भी बहुत अच्छा सा लग रहा है, लेकिन मैं इसको मजीद अच्छा करूंगी। इसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड करेंगे हम। अपनी लेयर्स को दोबारा मैंने हाइड कर दिया, कलर पैलेट को ऑन किया। कलर पैलेट को ऑन करने के बाद अब यहाँ से मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया था, अब मैं इसे थोड़ा सा लाइट लूंगी। पहले तो ये था, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर ले लेती हूँ। मैंने क्या किया, अपनी कलर पैलेट को कर दिया हाइड और यहाँ पे मैंने बकेट टूल के साथ उसके राइट तरफ पे ग्रेडियंट सा ऑप्शन है वहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। उन ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपने सेम वही मेथड अप्लाई करना जो मैं कर रही हूँ, तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी बनेगी जैसे मेरी बन रही है। मैंने नीचे से ऊपर ऐसे, ये देखिए मैंने यहाँ पे फिंगर रखी हुई जहाँ पे आपको ये लाइन शो हो रही है, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ऊपर ड्रैग इस तरह से, ये देखें। ठीक है, अपने मोबाइल की ब्राइटनेस अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये काम समझ आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर डार्क है, कौन सा कलर लाइट है। और इस तरह से मैंने दोबारा से अपनी कलर पैलेट ऑन की है, और कलर पैलेट ऑन करने के बाद मैंने इससे भी जो लाइट कलर है वो ले लिया है। मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, ये देखें मैंने इससे लाइट कलर लिया। और लाइट कलर लेने के बाद मैंने सेम वही ग्रेडियंट टूल लिया, वही चीज़ ली और नीचे से दोबारा मैंने इसको ऊपर लेके गई थोड़ा सा, ये देखें इस तरह से। अब आपको लग रहा होगा कि ये नाइट है, एक नाइट का अच्छा सा टेक्सचर जो है मुझे दे रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर माउंटेन्स को ऑन करूँगी तो मुझे लग रहा है कि माउंटेन्स थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। आपने क्या करना है, इन माउंटेन्स को यहाँ पर करना है मर्ज डाउन। मर्ज डाउन करने का मतलब है कि इनको मिला दें सबको, इन सबको इकट्ठा कर दें। जैसे आपने मर्ज डाउन करना है, यहाँ से आपने लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है ना, इस पर थ्री डॉट्स पे जाना है, ये थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पे जाके आपने करना है मर्ज डाउन, दोबारा से आपने करना है मर्ज डाउन। जब आप मर्ज डाउन करेंगे ना, ये एक लेयर बन गई है, ये सारी एक लेयर। अब आपको कैसे पता चलेगा ये एक लेयर बनी है, ये एक मूव टूल है। मूव टूल यानी कि इसको मूव करेगा, ये देखें ये एक लेयर बन गई है। अब मेरी मर्ज़ी मैं इसको नीचे करूँ, मैं इसको ऊपर करूँ, मैं माउंटेन्स को छोटा करूँ, बड़ा करूँ। अगर आपको करना है तो आप करें, अगर आपको नहीं करना तो आप ना करें, कोई मसला नहीं है। मैंने वैसे ही किया, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप करें करें, ठीक है। ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे भी। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया मर्ज। मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, लेनी है एक न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे आपने इसे करना है क्लिप। क्लिप कर दिया। अब मैं आपको चीज़ें डिटेल में तो नहीं बता सकती, क्योंकि अब ये लेसन है, ये कोर्स तो नहीं है जिसमें मैं आपको अगर डिटेल में बताने बैठ जाऊँ तो शायद पता नहीं कितने लेसन लग जाए। आपने जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो करने हैं। अब मैंने इसको कर दिया क्लिप। क्लिप करने के बाद यहाँ पे मैंने कलर को पिक किया कलर पिकर टूल से, जो मैंने आपको भी बताया आपने कैसे करना है। उसके बाद मैंने इससे डार्कर कलर सेलेक्ट किया, जैसे ये देखेंगे डार्कर कलर। डार्कर कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने करना यह है कि यहाँ पर इसको ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। सेम आपने क्या करना है, इसको फिर दोबारा से यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे करने के, देखें। अब मैंने इस डायरेक्शन में किया ना, मैं आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इस तरह से किया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिस तरह आपको बेहतर लगता है ना, आप उस तरह करें। मेक श्योर कि आपका करेक्शन टूल जो है वो ऑन हो। अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अब मैंने करना ये है कि जो मेरा ये वाला है उसमें मैंने करना है कलर, यहाँ से ऐसे मैंने इसका जो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट है वो मैंने सारा कर दिया फिल, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही मैं इसका ये वाला पार्ट जो है वो कर देती हूँ फिल, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये मैंने कर दिया फिल, ये मेरे मन के एक माउंटेन से। और पीछे अगर आपको लग रहा है कि आपका जो स्काई है वो ठीक नहीं है तो आप कोई मसला नहीं, आप सिंपल कलर लें और कलर लेके दोबारा से ग्रेडियंट टूल लें, ग्रेडियंट टूल लेके आप दोबारा से उस चीज़ को अप्लाई करें। टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अब तो मेरे ख्याल आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपको कलर्स में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछें। मैंने इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दिया है, मुझे लग रहा था कि ये नहीं ठीक तो मैंने इसे ठीक कर दिया, ये देखें। तो सिंपल, बहुत सिंपल सी एक चीज़ मैंने आपको बताई है। अब मैं अपने इन माउंटेन्स को थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, इस लेयर को दोबारा मैं मर्ज डाउन कर रही हूँ, मैंने मर्ज डाउन कर दिया, अब ये एक ही लेयर है। मैं इन माउंटेन्स को थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें ऐसे पकड़ के मूव टूल से सिंपल, ये मूव टूल से सिंपल पकड़ के जहाँ मर्जी आप इसको कर लें। तो मैंने ऐसे नीचे कर लिया थोड़ा। अब मैंने यहाँ पर ड्रा करना है एक मून। एक मून ड्रा करने के लिए मैंने न्यू लेयर ली, कलर लेयर सेलेक्ट की मैंने,
कलर लेयर लेने के बाद मैंने अपना ब्रश वही रखा, पेन ब्रश रखने के बाद आपने लेना है व्हाइट कलर, बिल्कुल व्हाइट कलर। व्हाइट कलर लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने करना यह है कि इसको ऐसे टच कर देना है। अब एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने, ये देखें यहाँ ये है डार्क जगह, ये चीज़, ये डार्क चीज़ है ये चीज़, ठीक है। अब अगर मून की लाइट आएगी ना तो वो इस तरफ नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी यहाँ पे, यहाँ पे आएगी। ये ना मून आपका यहाँ पे ड्रा हो, ठीक है, और यहाँ पे हो अंधेरा, देखने वाला कहे कि ये तो डार्कनेस है, यहाँ पे मून की तो रोशनी नहीं पड़ी। वहाँ पे आपने मून ड्रा करना है जहाँ पे मून लाइट जाए, यहाँ पे मून लाइट जाएगी इस तरह से, तो मून आप यहाँ पे ड्रा करोगे, ठीक है। साइज़ इसका ले लें 200 से 300 में, जितना भी आपको बेहतर लगता है। मैंने यहाँ पे इतना ले लिया और यहाँ पे मैंने मून को रख दिया। आप इसको छोटा करें बड़ा करें जैसे आपको बेहतर लगता है, या यहाँ पे रख लें कोई मसला नहीं है, जहाँ पे आपको ठीक लगता है। मून बनाने के बाद मैंने बनाने हैं स्टार्स। स्टार्स के लिए मैंने ली एक न्यू लेयर। अब उस लेयर को मैंने माउंटेन से पीछे ले गई हूँ। यहाँ पे सिंपल आपने लेयर के ऊपर प्रेस करके रखना है और वो पीछे चली जाएगी। अपने ब्रश का साइज आप 1 या 2 पिक्सल्स रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखना, और अपनी स्क्रीन पे ऐसे टच करते जाएं। जब आप अपनी स्क्रीन पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्स बनते हुए नज़र आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी स्टार्स बनाएं, बस आप टच करते जाएंगे तो वो स्टार्स जो हैं इस तरह से बनते जाएंगे। ये होगी हमारी एक सिंपल सी और ब्यूटीफुल सी इलस्ट्रेशन, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कोई हाथ शेडिंग नहीं की, बस हमने अपने ब्रशेस को यूज़ किया है और ब्रशेस को यूज़ करके हमने एक लैंडस्केप जो है वो ड्रा कर लिया है। आप भी इसे ड्रा करें और ड्रा करने के बाद मुझे दिखाएं कि आपने क्या ड्रा किया है।